तो हम सब लोगों का राय था कि भाई राज्य सरकार जो है अपने खर्चे पे, जैसे और राज्य हैं, कर्नाटक है, केरल है, कई एक राज्यों ने अपने खर्चे पर जो है जाति जनगणना कराई, तो राज्य सरकार बिहार सरकार भी घोषणा करे। अब ऑल पार्टी मीटिंग की जहां तक बात चल रही थी, आपको भी पता है देरी क्यों हो रही है, क्या कारण है, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से मंशा जो है वो ठीक नहीं है। जब हम लोग प्रधानमंत्री जी से मिलकर के निकले थे तो मैंने एक बात कहा था, ये नेशनल इंटरेस्ट में, जिस बात को मुख्यमंत्री जी ने भी दोहराया था, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि राष्ट्रहित में, यानी नेशनल इंटरेस्ट में, तो देरी किस बात की भाई? इसमें कब होगा? हम लोग तो चाहते हैं ना कि जल्द से जल्द लोगों को लाभ पहुंचे, तो देरी किस कारण? और क्या फायदा रह जाएगा, जब सम्मान रह जाएगा हमारा बिहार विधानसभा का या परिषद का, कि दो बार हम प्रस्ताव पारित कर दिए, क्या वैल्यू रहेगी? ये तो लोगों के हित में है। सही साइंटिफिक डाटा अगर आपके पास आएगा तभी आप योजना बनाइएगा, आपके पास इंफॉर्मेशन होगा कि भाई कौन लोग हैं जो दिहाड़ी मजदूर हैं, कौन लोग हैं जो कूड़ा साफ करने वाले लोग हैं, सफाई नाला का सफाई करते हैं, कौन लोग हैं जो झोपड़ी में रहते हैं। तो ये जब तक नहीं पता चलेगा आप इनके लिए योजना तो बना ही नहीं सकते। ने देखा होगा, हमने ट्वीट भी किया था, गोली चला दी जाती है, लॉ एंड ऑर्डर इतना बद से बदतर हो गया। गया में जो हादसा हुआ, जो गरीबों पे जुर्म जो ढाया जा रहा है, बांध करके पीटने का काम किया गया, ये कुछ बालू माफिया लोग और प्रशासन के लोग मिलकर के जबरदस्ती ये कार्रवाई इन लोगों ने किया, क्या दिखाता है? लॉ एंड ऑर्डर आपका फेल है, शिक्षा तो चौपट हो ही गया, और आप बताइए इतना गंभीर मामला है, हमने इसको रिट्वीट भी किया है, एक वीडियो है आप देखिए। अब ये वीडियो में क्या है, ये अस्पताल है या कुत्ते का घर है, या कुत्ता को लगता हुआ कि उसी का घर है, कुछ इंसान उनके घर में आ गए, क्या स्थिति बनी हुई है भाई? ये सुशासन है, नीतीश जी का काम बोल रहा है, ये सारा वीडियो देखिए आप लोग। और ये कहाँ का, तो सिवान जिले का, जो मंगल पांडे जी जहाँ से आते हैं, ये उनके गृह जिला का। और यही नहीं, एक तो हो सफाई कर्मी जो है वो ऑपरेशन कर रहे हैं मरीजों का। अब आप बताइए ऐसी स्थिति में ये सुशासन है कि कुशासन है या क्या है? एक तो होता है गवर्नेंस, एक होता है मतलब कि बैड गवर्नेंस, एक होता है देयर इज नो गवर्नेंस, कोई गवर्नेंस ही नहीं है, क्या स्थिति पैदा होती जा रही है पूरे बिहार में। कल को आपके भी रिश्तेदार हो सकते,